हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जो भी वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आज ये जानने वाले हैं कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आता है, क्यों आता है, और स्ट्राइक आने से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक वो मतलब उस स्ट्राइक से हम बच सकते हैं कैसे, और स्ट्राइक आता है तो हमारे चैनल को क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे चैनल से क्या ग्रो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, और क्या वीडियो उस पर अपलोड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसका पूरा टोटल जानकारी देने वाले, क्योंकि मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक आया हुआ है और उसी चीज को हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, लाइव समझाने वाले हैं कि ताकि आप भी यह गलती ना करें और आपका स्ट्राइक नहीं आए, नहीं तो आपको चैनल का बहुत दिक्कत हो सकती है। हम वाइट लिस्ट भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं। मेरे चैनल पर पहले सबसे पहले स्ट्राइक कब आया था, यहाँ पे हम वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। वाईटी स्टूडियो ओपन करने के बाद मैं देख सकते हैं यहाँ पर वाईटी स्टूडियो ओपन हो चुका है। वाईटी स्टूडियो ओपन करने के बाद हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में आते हैं। नोटिफिकेशन में आने के बाद हम इसको जस्ट नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद देख सकते हैं मेरे नीचे यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग, यहाँ पे फर्स्ट बार जब मेरा स्ट्राइक आया था ना, वो आया था अब 3 सप्ताह पहले। मेरे चैनल पर जब फर्स्ट बार स्ट्राइक आया था तो आया था 3 सप्ताह पहले, और 3 सप्ताह पहले जो आया था वो सिर्फ वार्निंग आया था। यहाँ पे देख सकते हैं योर कंटेंट वैडेड डाउनलोड वीडियो, हम इस पर वीडियो बनाए थे वीडमैट पे। वीडमैट से वीडियो डाउनलोड कैसे करते हैं उसी चीज़ के लिए हम वीडियो बनाए थे, और ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, हम वीडमैट पे वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए उसी वीडियो पे मेरे स्ट्राइक आया था, तो वो वार्निंग आया था। इसलिए आप कभी भी वीडमैट पे वीडियो अपलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो इंडिया में बैन है, इसलिए उस पर वीडियो नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बाद जस्ट उसके बाद मेरे 2 सप्ताह बाद फिर 1 सप्ताह, जैसे ये एक चला उसके बाद 1 सप्ताह फिर बाद हमको स्ट्राइक आया। वो दूसरा स्ट्राइक तब आया जब हमने एक टेलीग्राम पे वीडियो बनाया। टेलीग्राम से जैसे हम लोग मूवी भी डाउनलोड करते हैं ना, उस पर हम वीडियो बनाए थे, तो उस पर दूसरा बार स्ट्राइक उस पर आया, और उस पर ये लिखा हुआ था स्ट्राइक उस पर फर्स्ट था। दोस्तों आपका चैनल पर 3 बार स्ट्राइक आएंगे, आपका एक ये वार्निंग लगा के आपको 4 हो गए, लेकिन आपको स्ट्राइक आएंगे 3। यहाँ पे वार्निंग है, वो सिर्फ आपको वार्निंग के लिए आएंगे, वो स्ट्राइक नहीं आएंगे, वो वार्निंग आएंगे। आप उसमें वार्निंग में क्या होता है कि आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप जो भी आप वीडियो बनाइएगा ना तो वार्निंग आपको रहेगी ना, तो वार्निंग आपको यूट्यूब की तरफ से कुछ नहीं एक्शन लिया जाएगा, वो आप वीडियो उस समय में आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्राइक अगर फर्स्ट पर आता है तो आप उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर चैनल का 1 सप्ताह के लिए चैनल आपका बंद कर दिया जाएगा। यूट्यूब का फर्स्ट आपका स्ट्राइक आएगा ना तो 1 सप्ताह के लिए आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे जब मेरा 2 सप्ताह पहले मेरा जब स्ट्राइक आया था ना, तो मेरा एक सप्ताह के लिए मेरा चैनल बंद था, क्योंकि मैं 1 सप्ताह तक के लिए वीडियो अपलोड उस पर कर नहीं सकता था। यूट्यूब के तरफ से ऑलरेडी ये लिखा हुआ था कि आप 1 सप्ताह के लिए आप वीडियो अपलोड यहाँ पे नहीं कर सकते, 1 सप्ताह बाद ही आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो जो 3 बार स्ट्राइक आते हैं ना, तो फर्स्ट बार स्ट्राइक आएगा तो आपको 1 सप्ताह के लिए वीडियो बंद करने के लिए बोला जाएगा, वहाँ से मैसेज आएगा कि 1 सप्ताह के लिए आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन जस्ट वहीं आपका अगर दूसरा स्ट्राइक आता है ना, तो आप दूसरा स्ट्राइक में क्या होगा कि आपका 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाएगा, और तीसरा स्ट्राइक में आपका वीडियो यूट्यूब चैनल है वो बैन हमेशा के लिए कर दिया जाएगा। तो इसलिए कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। आप दूसरा स्ट्राइक में मैंने क्या गलती किया था, तो दूसरा स्ट्राइक में मैंने गलती किया था टेलीग्राम पे वीडियो बना के, तो जिसकी वजह से आप टेलीग्राम पे भी आप भी वीडियो नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका भी चैनल स्ट्राइक आ जाएगा, इसलिए टेलीग्राम पर वीडियो नहीं बनाइएगा। तो दूसरा जब मेरा स्ट्राइक आया था ना, तो तब मैं 1 सप्ताह तक वीडियो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। मैं तो हैरान हो गया कि मेरा चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 3 स्ट्राइक तक आपका चैनल सेफ, 2 स्ट्राइक तक आपका चैनल सेफ रहेगा आप, लेकिन ये है कि आपका जो व्यूअर्स है वो व्यूअर्स कम होने लगेंगे, क्योंकि आपका स्ट्राइक बार बार आएंगे ना, तो व्यूअर्स कम होने लगेंगे, और उसके वजह से क्या होगा कि आपका चैनल डिमोटिव होने लगेगा। लेकिन ये है कि आप यहाँ पे सभी सभी चीज़ गाइडलाइंस जो यूट्यूब गाइडलाइंस है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, हेल्प में जाके आप यूट्यूब गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आप वीडियो अपलोड कीजिए ताकि आपको वीडियो पर चैनल पर स्ट्राइक नहीं आए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चैनल पर जब स्ट्राइक आया तो मेरे 1 सप्ताह तक वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पाया, बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि मेरा व्यूअर्स गिरने लगे, इसलिए बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। इसलिए आप कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा स्ट्राइक का। यहाँ पर मैंने वहाँ पर अपील करने के लिए दिया हुआ था, तो मैंने अपील भी किया हुआ था, यहाँ पर मेल पर मैंने उनको मैसेज भी किया हुआ था कि ये पे यहाँ पे अपील देख सकते हैं, यहाँ मेरा अपील है रिजेक्टेड हो चुका है। जब मैंने अपील किया वो अपील रिजेक्ट हो गया, वहाँ पे मैसेज ईमेल पे ये आया हुआ था कि आपका चाहे अपील यहाँ पे स्वीकार नहीं किया सकता था, 1 सप्ताह तक आपका कोई सुनवाई नहीं की, जैसे 1 सप्ताह बाद ही आपका कुछ भी होगा, इसलिए अपील क्यों किया वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए वहाँ से यूट्यूब आप अपील भी करते हैं ना,
आपका अपील तभी सुना जाएगा जब आपका एक सप्ताह पूर जाएगा। जब एक सप्ताह, जब तक एक सप्ताह बाद अगर आपका चैनल नहीं चालू होता है तब आप अपील कर सकते हैं कि मेरा चैनल एक सप्ताह हो गया फिर भी चालू नहीं हुआ, तब आप अपील करके आप अपना चैनल को चालू करवा सकते हैं। लेकिन आपके एक सप्ताह बाद मेरा चैनल ऑटोमेटिक चालू हो गया तो फिर मैंने दोबारा अपील नहीं किया, क्योंकि मेरा चैनल जब बैन हुआ तो मैं हैरान हो गया था, तो इसलिए मैंने अपील लगले कर दिया, क्योंकि मुझे उसके बारे में उतना पता नहीं था, उसकी जानकारी नहीं थी। यहाँ पे उस जानकारी नहीं होने की वजह से मैंने अपील लगले कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजेक्टेड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको YT स्टूडियो का है ना, तो यहाँ पे गाइडलाइंस के खिलाफ आप कभी भी नहीं जाइएगा। गाइडलाइंस के खिलाफ जाने से क्या होगा कि आपका चैनल हमेशा के लिए बंद हो सकता है, इसलिए एक कभी भी एक गलती नहीं कीजिएगा। ये स्ट्राइक बार बार आने की वजह से आपका चैनल बंद हो जाएगा, 3 बार तक आपको वार्निंग दी जाएगी यूट्यूब की तरफ से। अगर आप यूट्यूब की तरफ से अगर गाइडलाइंस के खिलाफ अगर वीडियो बना रहे हैं ना, तो आपको चैनल को 3रा बार में आपको बंद कर दिया जाएगा। 2 बार में आपको 2 सप्ताह तक लिए बंद होगा, उसके बाद आपका चैनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि गाइडलाइंस के खिलाफ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, पहले गाइडलाइंस को क्या है वो पढ़ लीजिएगा टोटल चीज़ें, तभी आप उस पर वीडियो बनाइएगा, तभी जाके आप अपने चैनल को सुरक्षित रख सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।